अस्सलाम वालेकुम, आज लाई हूँ मैं आप लोग के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली पनीर अफगानी की मज़ेदार रेसिपी, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना। तो इसके मैंने 250 ग्राम पनीर को इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। इसमें डालना है आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक डाल देना है स्वाद अनुसार, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालना है, एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डालना है, थोड़ी सी हरी धनिया डाल देना है और इन सबको हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे तुरंत भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डाल दिया है मैंने। इसमें एक एक करके पनीर के टुकड़ों को डाल देना है और अच्छी तरह से एक तरफ जब कलर चेंज हो जाए तो पलट के दूसरी तरफ भी पका लेना है, ताकि दूसरी तरफ भी इसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाए। तो इस तरह से इसका कलर आ जाना चाहिए। तो सारे पनीर को इस तरह से अल्टी पल्टी करके हमें पका लेना है, ताकि इसका कलर हर तरफ से अच्छी तरह से चेंज हो जाए। तो सारे पनीर का कलर चेंज हो गया है, तो बस इसे निकाल लेना है एक प्लेट में। अब उसी फ्राई पैन में मैंने फिर से थोड़ा सा तेल लिया है, 2 से 3 चम्मच के करीब में। अब इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे, तो 4 लौंग है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 3 हरी इलायची है, 1 तेज़पत्ता है। इन सबको कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 10 से 12 लहसुन की कलियां हैं। इन सबको अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है, अच्छे से गैस का फ्लेम हमें मीडियम पे करके पका लेना है इन सारी चीज़ों को। अब इसमें 12 से 15 काजू के टुकड़े डाल देना है, हरी मिर्ची डाल दिया है 7 से 8, आप तीखा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, थोड़ा सा नमक डाल देना है, अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इसमें डाल देना है हरा धनिया, तो यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है। हरा धनिया को मैंने डंठल के साथ लिया है, क्योंकि डंठल से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप भी इसी तरह से करें। इसे डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, गैस का फ्लेम मीडियम पे करके पका लेना है इन सारी चीज़ों को। जब ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाए तो गैस का फ्लेम बंद कर देना है, इसे ठंडा कर लेना है, तेज़पत्ता निकाल देना है और इसे पीस के इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अब इसी फ्राई पैन को मैंने साफ़ कर लिया था, इसमें 1 चम्मच तेल डाल दिया है, थोड़ा सा बटर डाल दिया है, यानी चाय के चम्मच से देखा जाए तो 2 चम्मच ये बटर है। जब बटर मेल्ट हो जाए तो इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाल देना है, मिला लेना है अच्छी तरह से। जब ज़ीरा चटकने लगे तो इसमें जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा था इसे डाल देना है, थोड़ा सा पानी डाल देना है, मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे, तो मसालों में सबसे पहले मैंने डाला है यहाँ पे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। यहाँ पे मैंने 4 से 5 चम्मच दही का इस्तेमाल किया है। नमक डाल देना है थोड़ा सा। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, मिला लेना है अच्छी तरह से। गैस का फ्लेम स्लो करके ढक के 3 से 4 मिनट पका लेना है मसालों को। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं, मसालों को भून लेना है। भुनने के बाद यहाँ पे मैंने दूध की मलाई का इस्तेमाल किया है, इसे डाल दिया है। आप चाहे तो अमूल फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। तो 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पे मलाई डाल दी है। कसूरी मेथी को 1 चम्मच हाथों से क्रश करके डाल देना है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है। अगर आप ग्रेवी थोड़ा सा पतला चाहते हैं तो आप इसमें दूध डाल सकते हैं 1 कप के करीब। उसके बाद इसमें पनीर डाल दिया है मैंने। पनीर डाल के हल्के हाथों से सारे पनीर को मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम कर देना है बिल्कुल स्लो, और स्लो फ्लेम पे हमें इसे 6 से 7 मिनट पका लेना है।
तो 6 से 7 मिनट हो गए हैं, तेल भी अलग हो गया है, मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं। अगर आपको ग्रेवी करना है तो आप 1 कप दूध इसमें डाल के गैस का फ्लेम स्लो करके ढक के पका लीजिएगा। मैंने यहाँ पे इसे सूखा रखा है, तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनके तैयार हो गई है। एक बार आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। रखिएगा अपना खूब सारा ख्याल, मिलते हैं अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।